दो रोज पहले मुझे जम्मू से डॉक्टर रविंदर सिंह का फोन आया और उन्होंने मुझे ये इत्तला दी कि आने वाले संडे को 17 जनवरी को सुबह एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें एक किताब एक बुक रिलीज हो रही है। ये किताब चौधरी मसूद अहमद के ऊपर है, उनकी शख्सियत पे, उनके खिदमात पे, उनके जीवन पे, उन्होंने सारी उम्र जो काम किए हैं और शोहरत हासिल की है उसके ऊपर। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं भी शामिल हूँ। डॉक्टर रविंदर सिंह ने ये जो मुझे सूचना दी इससे पुरानी याददाश्त ताज़ा हुई। बहुत साल पहले 17-18 साल पहले मुझे हिंद सरकार ने एक काम सौंपा था कि मैं जम्मू और कश्मीर जाऊं और पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस अदारों के जिन जो लीडर हैं उनसे मुलाकात करूं और ये इजाज़ा दूं कि जो कि जम्मू कश्मीर के मसले हैं उनका बेहतर हल कैसे निकल सकता है। इस सिलसिले में जब मैं जम्मू गया पहली बार और मैंने लोकल अफसरों के साथ बैठकर एक लिस्ट बनाई कि मैं किन किन को मिलूंगा, किसको मिलूंगा, पॉलिटिकल लीडर्स में, एजुकेशनिस्ट, वाइस चांसलर्स में और सोसाइटी के जो लीडर हैं उनकी एक फहरिस्त बनाई जिनसे मैं मुलाकात करना चाहता था और उनको मैं सुनना चाहता था। जब एजुकेशन के दायरे की बात हुई तो मैंने पूछा कि जम्मू रीजन में कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन उनके वाइस चांसलर्स हैं। तो ये इल्म हुआ कि चौधरी मसूद अहमद साहब रजौरी में वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी, बादशाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, जिसके वो फाउंडर वाइस चांसलर, उन्होंने स्थापित की यूनिवर्सिटी। मैंने इनको पैगाम भेजा और मसूद अहमद साहब जम्मू तशरीफ लाए, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई, इन्होंने अपना ख्यालात का आज़ाद किया, मुझे अपने रीजन बारे, गुजर कम्युनिटी के बारे और जम्मू कश्मीर रियासत के जो अहम प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनके बारे जानकारी दी। जैसे आप में से कुछ दोस्त जानते होंगे, ये जो काम मैंने आपको जिक्र किया अभी ख़त्म होने के बाद मुझे जम्मू कश्मीर रियासत में काम करने का एक और मौका मिला, राजभवन जाने का और वहाँ से काम करने का। तो मैं, जैसे आप जानते हैं, कई साल जम्मू कश्मीर में रहा। इस दौरान पॉलिटिकल रूल रहा और बीच में कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि गवर्नर रूल भी लगाना पड़ा, चार मौके पर गवर्नर रूल लगाना पड़ा। तो जब ये जिम्मेवारी डायरेक्टली आ जाती राजभवन पे तो बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों की राय सुनी जाए, आम आवाम के जो लीडर हैं हर एक अलग अलग अदारे में उन लोगों की, उन लीडर्स की, उन शख्सों की आवाज़ सुनी जाए, उनके ख्यालात समझे जाएं और कोई ऐसा हल निकाला जाए हर मसले का जो लोगों के वेलफेयर को बढ़ोती दे। तो इस कनेक्शन में मेरी
चौधरी मसूद अहमद साहब से बहुत बार मुलाकात हुई। मैं जम्मू कश्मीर में 10 साल से ज़्यादा रहा, इस दौरान में बड़ी रेगुलरली मेरी मुलाकात होती रही। मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये वाइस चांसलर बनने से पहले, फाउंडर वाइस चांसलर थे, उससे पहले लगभग 40 साल इन्होंने रियासत की पुलिस डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी की। एडिशनल डीजीपी लेवल तक पहुंचे और बहुत शोहरत हासिल की, मेडल मिले, इनामात मिले, अवार्ड मिले, ऑनर्स मिले। इसके अलावा इन्होंने जो एक और इदारा जिसमें बहुत बढ़िया फाउंडेशनल काम किया, वो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित किया कि गुजर कम्युनिटी के जो मसले हैं, उनके सोशल, उनके इकोनॉमिक और उनके दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हल करना है और इनके इस कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे कैसे ले जाना है। और सबसे बड़ा जो मसूद साहब ने काम किया है, मैं समझता हूँ वो एजुकेशन के इन्होंने अपॉर्चुनिटीज अपनी कम्युनिटी को दिलवाई। यूनिवर्सिटी बनने से राजौरी में एक बहुत अच्छा मुकाम पैदा हो गया कि बच्चे जो हाई स्कूल करते थे वो घर के नज़दीक ही यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, जम्मू आने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ डिस्टेंस और रास्ते की बात नहीं, खर्चे की बात भी है, सहूलियत की बात भी है और बच्चों के जो वालदैन हैं उनकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात है। तो ये पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी बन गई है, इसकी यूनिवर्सिटी की बहुत शोहरत है, मैं कई बार वहाँ गया हूँ। तो मुझे इस बैकग्राउंड में ये बात जब डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताई कि मसूद अहमद साहब के ऊपर एक किताब लिखी गई है जो उनकी शख्सियत पे है, उनके खिदमात पे है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ये समझता हूँ कि मसूद साहब जैसे जो इंसान हैं, नेक तो बुलंद ख्यालात के इंसान हैं, इनके बारे किताब छपे, आने वाली नस्लें इस किताब को पढ़ें तो उनको ये भी मसाल पैदा होगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, कहाँ से कहाँ जा सकता है इंसान अगर हिम्मत करे और कोशिश करे। मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि मसूद साहब एक बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इनकी इज्जत और बढ़ेगी इस किताब के रिलीज़ होने के बाद, इनकी शोहरत और बढ़ेगी और इनको आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन जान सकेगी कि चौधरी साहब ने क्या क्या काम किए, किस किस दायरे में अच्छे काम किए। इन लफ्जों से मैं चौधरी साहब को आई विश हिम गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन द इयर्स टू कम। खुदा हाफिज़। थैंक यू।